राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू मठरी। आप इसे काजू मठरी, काजू नमक पारे, काजू निमकी या फिर काजू नमकीन भी कह सकते हैं। आप इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मेरे साथ आज हम मिलकर बनाते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल काजू मठरी। तो काजू मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ पे मैदा मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है। अभी मैदे को अच्छे से छान लीजिए। जब मैदा छन जाए तो इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमेशा हाथों से क्रश करके डालें। नमक स्वादानुसार, घी। अभी मैदे और घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाथों से बिल्कुल इस तरह से रगड़ते हुए मिक्स करिए। जब ये मुट्ठी बनने लगा तो समझिए आपने प्रॉपर मोयन डाला है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका टाइट डो बना लेना है। ज़्यादा चिकना यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ मैदे को जोड़ना है। अभी 20 मिनट के लिए हमें इसे ढककर छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था मैदे का डो बनाने के लिए, जिसमें से आधा पानी यूज हुआ है और आधा बच गया है। जब 20 मिनट हो जाए तो ढक्कन हटा दीजिए। अभी मैदे को थोड़ा सा इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अभी इसका लोई तोड़ लीजिए। लोई आप अपने हिसाब से यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी 1 लोई ले लीजिए और बेलन की मदद से इसे अभी बेल लेना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है। ज़्यादा पतला यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे, आधा इंच हमें यहाँ पे मोटा चाहिए, बिल्कुल इतना ही। अभी किसी भी बॉटल का ढक्कन आप ले लीजिए। अभी ढक्कन की मदद से हमें नमकीन को इस तरह से काट लेना है। देखिए ये बिल्कुल काजू के जैसा दिखेगा। इसी तरह से सारे काजू नमक पारे को बनाकर रख लीजिए। तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अभी गैस की तरफ चलते हैं। तेल यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब कभी भी हम मठरी नमकीन फ्राई करते हैं तो लो फ्लेम पे ही हमें मठरी को डालना चाहिए। जब आप इस तरह से डालते हैं तो मठरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। जब ये ऊपर आ जाए तो बस इस तरह से हमें चला देना है। अभी लो टू मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते हमें काजू मठरी को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। काजू मठरी बनाने टाइम हमें किन किन बातों का रखना है ध्यान, ताकि काजू मठरी क्रिस्पी और खस्ता बन सके। डो में प्रॉपर मोयन डालिए और डो को सॉफ्ट नहीं करना है, टाइट रखना है। और फ्राई करने टाइम जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मठरी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा। जब दूसरी बार फ्राई करते हैं तो तेल को यहाँ पर ठंडा कर लेना है और जब नमकीन ऊपर आ जाए तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है और इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो एलो जी, हमारा दिवाली स्पेशल काजू मठरी यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो बस इस दिवाली इस तरह से काजू मठरी बनाइए और कैसा बना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आज की रेसिपी अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।